अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग आज। वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाती अगर मेरे सामने से एक खूबसूरत तहरीर ना गुजरी होती। आप लोग जानते हैं कि आज का करंट जो टॉपिक चल रहा है, जिसके बारे में हर जुबान सदे आम, जिस जो हर घर में जिसकी मालूमात हैं, दुआ ज़हरा। जी हाँ, मैं टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, जिस बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ वो है दुआ ज़हरा। आप लोगों को हैरानी होगी कि मेरा चैनल वैसे इस कंटेंट पे नहीं है, लेकिन जब जहाँ आपको जो चीज़ तकलीफ देती है, आपको टच करती है, आपकी रूह को टच करती है, वहाँ पे आपको तकलीफ होती है। वो माशर्ती तौर पे वो सब लोग उसी का हिस्सा होते हैं और सांझे होते हैं। अभी मैं जो बातें करने लगी हूँ ये मोहतरमा की हैं और मैं उनका नाम भी मेंशन करूँगी। चलें टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कोई गैंग या माफिया मुलविस नहीं है दुआ ज़हरा के केस में, और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी गलत है, और दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है, वो दुरुस्त है। पूरी दास्तान में कोई झोल नहीं है, बच्ची खुद ही कराची से लाहौर गई है। ज़हीर के घर वाले बहुत ही रोशन ख्याल थे और उन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल के अंदर। मेरा टॉपिक आज दुआ ज़हरा के बारे में बात करने जा रही हूँ। इट्स अ वेरी फेयर और हर जुबान से आम हो रहा है, हर घर में ऑलमोस्ट इसके बारे में पता है, और उनके माँ बाप की तकलीफ़ के बारे में भी। किसी भी माँ बाप के लिए, किसी बेटी के लिए ये सारी चीज़ें तकलीफ़ और अजियतनाक हैं। तो चलिए, जो मुझे एक मेरी पोस्ट निगाह से गुजरी थी, मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में ज़रूर आप तक बात करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। कुछ देर को अगर मान लेते हैं कि वो कोई गैंग या माफिया उसमें मुलविस नहीं है और उसके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह गलत हैं, तो दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट की एज ही सिर्फ दुरुस्त है। पूरे राजस्थान में अगर कोई झोल नहीं है, बच्ची खुद ही कराची से लाहौर पहुंच गई है, और ज़हीर के घर वाले बहुत रोशन ख्याल थे और उन्होंने बगैर कुछ पूछ के अच्छे से कबूल कर लिया। बच्ची को 4 साल पहले मोहब्बत हुई है, उसने घर से भागकर शादी कर ली है, तब भी गलत है। ऐसे यूँ नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो, दूसरे सिनेरियो, दूसरे सेंस में बात करते चलें। तो अगर कुछ देर के लिए मानते हैं कि ग्रूमर्स का कोई गैंग मुलविस है और इसने बच्ची को कराची से लाहौर तक पहुंचाया, जो इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े इदारों में बड़े अहदों पर लोग मुअत्तल हो रहे हैं, और जो इतना ताकतवर है कि दो सूबों की पुलिस बच्ची को ढूंढ नहीं सकी। इस गैंग ने बच्ची को अगवा किया और हबसे भिजा में रखा और खौफजदा करके प्लांटेड इंटरव्यू दिलवा रहा है, और प्लांटेड तस्वीर भी आ रही हैं। ये तब भी गलत है, और खौफजदा करने की इस हद तक ये तब भी गलत है। अच्छा, अगर हम कुछ देर को मान लेते हैं, जो होना था हो गया, बच्ची की शादी होगी, हर इंसान आज़ाद है, बच्ची को भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार होना चाहिए, और माँ बाप को इस तमाम सूरत हाल को कबूल कर लेना चाहिए, ये तब भी बहुत गलत है। मैंने हर हवाले से सोचा है, दुआ ज़हरा के साथ जो हो रहा है और जो किया जा रहा है गलत है। समाजी, माशरती, इखलाकी, मजहबी, कानूनी, नफ्सियाती हर हवाले से गलत है। मैं सारे वाकये में जो झोल है इन पर बात ही नहीं करूँगी, और इन पर मुसलसल बात हो रही है। बच्ची को वालदेन से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? ऐसी कौन सी नफरत है जो वो अकेले में माँ से 5 मिनट भी मुलाकात को तैयार नहीं है? आखिर क्यों? कानून, जो कि हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर काम करता है, सर्टिफिकेट छोड़कर कच्ची पक्की मेडिकल रिपोर्ट को तस्लीम कर रहा है। आखिर क्यों? इतना अरसा बच्ची मंसरे आम से गायब रही है। आखिर क्यों? संजीदा सहावियों को दुआ ज़हरा तक रसाई नहीं मिल रही, और गैर संजीदा यूट्यूबर्स के जरिए मखसूस चीज़ें सुनवाई और कहलवाई जा रही हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये मामला माशरती, अखलाकी और मजहबी हवाले से कैसे गलत है, और इस पर बात हो रही है। मैं सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन पर बात करूँगी, और ये जो कहा जा रहा है ना कि हर इंसान आज़ाद है और दुआ ज़हरा को भी यह हक हासिल है, अगर दो इंसानों को मोहब्बत होगी और बच्ची ने भागकर शादी कर ही ली तो इसमें बुरा क्या है? तो बताते चलूँ कि 14 साल की बच्ची पर यह कुलिया लागू नहीं हो सकता, बिलखसूस हमारे माशरे में, हमारे जैसे माशरे में जहाँ बच्चों का एक्सपोजर कम होता है, और ये कुलिया लागू बिल्कुल भी नहीं होता। आप यूएनए के चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ देख लें, और हर इंसान जो 18 साल से कम उम्र है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में शुमार होता है। वो टीनेज में सख्त नफ्सियाती, जिस्मानी, जज्बाती तब्दीलियों से गुजर रहा होता है, और इसमें दुरुस्त फैसला करने की सुबेदारी नहीं होती। वो कम अकल और जज्बात ज़्यादा इस्तेमाल करता है। समझ में नहीं आती कि कैसे लोग ये कह रहे हैं कि मोहब्बत हुई और शादी हो गई, ये एक सवाल है। तीसरी जमात का बच्चा मोहब्बत करने के काबिल होता है, मेरा सवाल है। इस बात की क्या सच्चाई होती है, शायद इसका अंदाज़ा कहने वालों को बिल्कुल भी नहीं है। गैर संजीदा लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि किस कदर तकलीफ का मामला है,
और अगर बात की जाए कि दुआ ज़हरा किसी गैंग के कब्जे में है, तो खुदा जाने इस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, खुदा जाने इस बच्ची के वालदान पर क्या गुजर रही होगी, जो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। इनके लिए बच्ची का विक्ट्री का निशान बनाना अगर दुआ ज़हरा की मर्जी से है तब भी अजियत है, और अगर दुआ ज़हरा की मर्जी के खिलाफ बनाया जाता है तब भी अजियत है। दुआ ज़हरा अंडर एज है या अख्वा भी हुई है या भागकर शादी ही की थी, इस वक्त की रियासत की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्ची 18 साल की ना हो जाए इसे रियासती हिफाजत में रखा जाए। 18 साल के बाद इसे इख्तियार दिया जाए कि वह जो फैसला चाहे करे। एक राय के मुताबिक हो सकता है कि वालदैन सख्ती करते हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार रखते हैं, और हो सकता है कि वालदैन के पास वापस भेजने किसी को ऑनर किलिंग का खदशा हो। हो सकता है कि बच्ची को घर वालों से ही खतरा हो। अगर आप बच्ची को वालदैन के पास ना भी दें तो रियासत इसकी माँ बने, इसे अपने पास रखें जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड मैरिज कवानीन पर नज़रसानी हो और इन्हें हकीकी तौर पर पाकिस्तान में लागू किया जाए, और अगर ये काम हो जाता है तो इससे सिर्फ दुआ ज़हरा का नहीं सैकड़ों मासूम हिंदू और ईसाई बच्चियों का भी भला हो जाएगा। ये तमाम तहरीर है और ये तहरीर जिनकी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुले ज़हरा रिज़वी की है, लेकिन मैं तमाम पॉइंट से अग्री करती हूँ। अगर आप लोग भी अग्री करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर पहुँचाइएगा और तमाम लोगों तक जो के साहब शौर हैं। मेरा पैगाम उन तमाम लोगों के नाम, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।